अच्छा दोस्तों, आज से कुछ ही दिनों पहले ही हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 वाला मॉडल लॉन्च हुआ भाई। और ये लॉन्च होने के बाद ना मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि ये जो बजाज पल्सर RS 200 वाला जो मॉडल है तो इसके साथ एक ऑन पेपर कॉम्पेरिजन तो भाई करना बनता ही है। तो वीडियो को अगर पूरा देखते रहना क्योंकि आज के इसी वीडियो के अंदर भाई देखने यही वाले है कि ये जो RS 200 है तो ये क्या किंग है या फिर करिश्मा एक्जिमा किंग है। तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले ही हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 वाला ही न्यू मॉडल जो है तो वो लॉन्च हुआ है। और अभी के रेट में ना भाई कंपटीशन तो भाई बनता ही है इन दोनों बाइकों में से, मतलब कि बजाज पल्सर RS 200 और हीरो करिश्मा एक्जिमा 210। अब देखो दोस्तों, बात कुछ ऐसा ही कि देखने यही वाले है कि भाई ऑन पेपर कॉम्पेरिजन में कौन सा वाला बाइक जो है तो वो विन होता है ओवरऑल। अब देखो दोस्तों, पहले ये जो कॉम्पेरिजन है ना तो इसी कॉम्पेरिजन वीडियो के ही शुरुआत में हम लोग देखने वाले हैं दोनों ही बाइक्स का लुक्स। अब देखो दोस्तों, अपने अपने ऊपर है कि ये जो हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 वाला जो लुक है तो ये कौन से लोगों को पसंद आता है, और इसके ही साथ साथ जो RS 200 वाला लुक है तो ये कौन से लोगों को पसंद आता है, तो देखना भाई यही पड़ेगा आप लोगों में से। और भाई मुझे बस यही पता है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बोल दो ताकि मैं ये जान पाऊं कि कितने लोग हो मेरे चैनल पर जो कि करिश्मा एक्जिमा 210 वाले लुक को पसंद कर रहे हो और कितने लोग हो जो RS 200 के लुक को पसंद कर रहे हो। और पर्सनली मैं अगर बताऊं तो ये दोनों ही बाइक्स का जो लुक है तो ये मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन तो लगा। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें दूसरे पॉइंट की तरफ इसी कंपैरिजन वीडियो में तो वो है भाई ब्रेकिंग सिस्टम। और ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना तो वो भाई RS 200 के अंदर भी आपको डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल ईबीएस का जो ऑप्शन है तो वो ही कुछ देखने को मिलता है। और उसके ही साथ साथ हमारा ये जो न्यू वाला करिश्मा एक्जिमा 210 वाला जो मॉडल है तो इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक के साथ में ये जो डुअल चैनल ईबीएस वाला ऑप्शन है तो यही कुछ देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम लोग देखें इन दोनों ही बाइक्स के लाइट्स के सेटअप के तरफ तो देखो गाइस, RS 200 के अंदर आपको पहले की तरह ही वो भाई जो हैलोजन वाला जो प्रोजेक्टर लाइट है तो वही कुछ देखने को मिलेगा। बाकी अगर देखा जाए ये हीरो करिश्मा एक्सएमआर 210 के तरफ तो देखो गाइस, एक्सएमआर 210 वाला जो मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको डीआरएल से लेकर लगभग सारा ही जो लाइट्स है तो वो एलईडी के ही अंदर दिया गया है, जो कि भाई काफी ज्यादा अपने आप में ही बढ़िया तो है ही। और इसके अलावा अगर मीटर कंसोल के तरफ भी देखे तो देखो दोस्तों, ये जो हीरो करिश्मा एक्सएमआर 210 वाला जो मॉडल है ना तो देखो गाइस, पहले बात तो यही है कुछ कि ये जो न्यू मीटर कंसोल है इसी बाइक के अंदर तो एक ये देखने को मिलेगा पूरे ही तरीके से कलरफुल डिजिटल डिस्प्ले के ही साथ जो कि एलसीडी पैनल है। और इसके ही साथ साथ ये भी है कि ये जो मीटर कंसोल है ना तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर, बाकी ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर और इंजन टेम्परेचर वगैरह जो भी है तो ये सारा कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा। और इसके ही कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें बजाज पल्सर RS 200 की तरफ तो देखो गाइस, 200 के ही अंदर अभी देखने को मिला है एक न्यू गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर। और इसके अलावा भाई मीटर कंसोल जो है तो वो पहले वाला ही है, मतलब उतना कुछ खास चेंजेस नहीं है, जो कि पहले की तरह ही एक सेमी डिजिटल वाला ही एक मीटर कंसोल है। बाकी अगर हम लोग देखें इसी कंपैरिजन वीडियो के ही अंदर इन दोनों ही बाइक्स के इंजन के तरफ तो देखो गाइस, करिश्मा एक्जिमा 210 वाला जो मॉडल है ना तो ये भाई क्लियर तरीके से विन है अगर हम लोग देखें ये जो लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन तो इसके ही अंदर। मतलब कि देखो गाइस, हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 वाला जो मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको एक सिंगल सिलेंडर वाला लिक्विड कूल इंजन ही देखने को मिलेगा 210cc का, जो कि एक DOHC 4 वाल्व वाला है। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना तो वो है 25.5 bhp। ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 20.4 Nm। और इसके ही साथ साथ ये वाला जो इंजन जो आपको देखने को मिलेगा 6-speed के गियर बॉक्स के साथ ना तो उसके ही साथ साथ आपको असिस्टेंट स्वीपर क्लच वाला जो ऑप्शन है तो वो भी कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके ही कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें बजाज पल्सर RS की तरफ तो देखो गाइस, बजाज पल्सर RS जो है ना तो वो ऑन पेपर अगर देखा जाए तो इसका जो इंजन का पावर है तो वो कम है, और वो जो है ना तो वो है कि देखो गाइस, 24.1 bhp का जो मैक्सिमम पावर है तो वो कुछ देखने को मिलता है बजाज पल्सर RS 200 के ही इंजन में। और उसके ही साथ भाई 19 Nm का जो टॉर्क है तो वही कुछ देखने को मिलता है विद 6-speed गियर बॉक्स। बाकी तो इसका भी जो इंजन है तो ये भी एक DOHC 4 वाल्व वाला ही इंजन है, 200cc का लिक्विड कूल वाला। अब देखो गाइस, ये भी कुछ सीन है कि ये जो दोनों बाइक्स है ना तो इन दोनों का जो प्राइस है तो वो आपके सामने है, टॉप एंड से लेके लो एंड से लेके जो भी कुछ है मतलब वो आपके सामने है, जैसे कि देख ही सकते हो। अगर आप लोग ये भी देख ही सकते हो चीज की ये जो बाइक का जो प्राइस है ना तो वो भाई कहीं ना कहीं हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 का ही जो है तो वो बढ़िया है। और सबसे ज्यादा जो प्राइस मुझे लगा इसी कॉम्पिटिशन वीडियो में तो वो बजाज पल्सर RS 200 का ही लगा। बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट करके ये बताओ कि आप अगर अभी कभी खरीदना चाहते हो कोई 200cc के अंदर तो आप लोग भाई कौन सा वाला बाइक जो है तो वो खरीदोगे, मतलब कि बजाज पल्सर RS 200 या फिर हीरो करिश्मा एक्जिमा 210। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियो हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।